का लगाया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश रुकने के बाद भी पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं क्योंकि सड़कों पर मलबा गिरने से वहां के कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिनमें कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला हाईवे भी शामिल है। बताया गया कि इस हाईवे पर सुबह से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे थे, जिन्हें देखकर लोग सतर्क हो गए। कुछ ही देर में पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। इतनी भारी तादाद में पहाड़ से गिरे मलबे को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उस वक्त ज्यादा डर गए जब दोबारा पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हुआ। इस मलबे ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और प्रशासन ने तुरंत सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। इसके लिए राहत और बचाव की कई टीमों को पहले से अलर्ट रखा गया था। जिस तरह की परेशानी से बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों को दो चार होना पड़ा, उसी तरह की परेशानी पिथौरागढ़ के बंगापानी इलाके में रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां बंगापानी को जौलजीबी से जोड़ने वाले पुल पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। वहां से सामने आई तस्वीरों में पुल के एक ओर की दीवार के पास से मिट्टी गिरती दिखी। कुछ ही देर में मिट्टी के गिरने की रफ्तार तेज हो गई, फिर मिट्टी के साथ सड़क का एक हिस्सा भी टूटकर नदी में गिर गया। बताया गया कि जिस जगह ये पुल बना है वहां नदी को पार करने के लिए इस पुल के अलावा दूसरा साधन नहीं है, इसलिए पुल के टूटने की आशंका से इलाके के लोग डर गए, क्योंकि अगर ये पुल टूट गया तो लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि इन घटनाओं के बीच प्रशासन ने कई लोगों की परेशानी को भी दूर कर दिया, खासकर उन लोगों की जो पिछले कई दिनों से सड़क बंद होने की वजह से कर्णप्रयाग के पास फंसे हुए थे। चार दिन पहले भारी बारिश के दौरान वहां पहाड़ खिसक कर सड़क पर गिर गया था, उसके बाद कई लोग वहां फंस गए थे। कितने दिनों से फंसे हुए थे आप? सर, हम चार दिनों से फंसे हैं। अच्छा। हालांकि वहां बंद जिस रास्ते को चार दिन बाद खोला गया उससे बड़ी गाड़ियां तो आराम से निकल गईं, लेकिन छोटी गाड़ियों को वहां से निकलने में काफी परेशानी हुई। कई गाड़ियां रास्ता पार करते वक्त कीचड़ में फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोगों ने रास्ते को दुरुस्त करने के लिए मोर्चा संभाला। भाई साहब, अब खुद से ही बना रहे हैं सड़क? बिल्कुल सर, घर जाना है तो बनाएंगे, खड़े तो रात भर तो यहाँ तो नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, बारिश ने वहां कई बिजली के खंभों को तोड़ दिया था, जिन्हें दुरुस्त करने का काम फिर से शुरू किया गया। सौबात की बात है कि उत्तराखंड में सड़क और बांध बनाने के लिए जितने हिस्से में पहाड़ तोड़े गए उनसे कई गुना ज्यादा इलाके में पहाड़ की जड़ हिल गई, जिसकी वजह से बारिश का पानी पत्थर और मलबा अपने साथ ला रहा है। और अभी हाल ये है कि उत्तराखंड में मौसम की मार से आधा दर्जन हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बंद है और लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।